दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों शुभमन गिल के शतक पर क्रिस गेल ने दिया सनसनी खेज बयान जी हाँ दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन गिल ने दोहरा शतक लगा दिया है शुभमन गिल की 208 रन की पारी को देखकर क्रिस गेल भी अपने आप को बयान देने से रोक नहीं पाए क्रिस गेल ने अपने रिकॉर्ड को टूटता हुआ देख शुभमन गिल को लेकर ऐसा बयान जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी तो आखिरकार शुभमन गिल को लेकर क्रिस गेल ने क्या बयान जारी किया जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है शुभमन गिल रोहित शर्मा और क्रिस गेल में से कौन है बेहतरीन सलामी बल्लेबाज इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में ही शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया उन्होंने एक गेंदों पर दो रन की पारी खेली उनकी पारी में उन्नीस चौके और नौ छक्के शामिल थे इस मैच में गिल ने एक साथ कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए गिल वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं उन्होंने तेईस साल की उम्र में यह कारनामा किया इससे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था जिन्होंने चौबीस साल की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था इसके अलावा गिल वनडे में सबसे कम उम्र में एक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली और शिखर धवन के नाम था इन दोनों खिलाड़ियों ने चौबीस पारियों में एक वनडे रन बनाए थे वहीं शुभमन गिल ने उन्नीस वनडे पारियों में ही एक रन पूरे कर लिए हैं वनडे क्रिकेट में सबसे तेज एक पूरे करने के मामले में गिल संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है इसी बीच शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखकर क्रिस गिल का बयान सामने आया है जिसमें क्रिस गिल ने बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल ने आज 208 रन की पारी खेलकर मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया है मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी बार बार रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने ऐसा कारनामा किया है तो इस बात का सबूत है की भारत की युवा जनरेशन में काफी ज्यादा ताकत है भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी इस तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूती के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज लगातार विकेट पर विकेट गवा रहे थे तो अकेले शुभ मनगिल ने टीम को संभाला था ऐसे में शुभमन गिल की पारी का कद और भी ज्यादा बढ़ जाता है और मुझे उम्मीद है शुभमन गिल इस तरीके से आगे बढ़ते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए दिखाई देने वाले हैं इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि शुभमन गिल ने आज दिखा दिया है कि भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों में उनकी जगह पहली पक्की नहीं हो रही लेकिन अब उनकी जगह पूरे तरीके से पक्की हो चुकी है शुभमन गिल ने अपनी पारी के दौरान किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा और दिखाया कि भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए वह अंतिम समय तक भी तैयार हैं जहां पर शुभमन गिल ने सभी को अपना दीवाना बनाया और बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यहां पर उन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा है उसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और शुभमन गिल इस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद मैं आगे करता रहूंगा क्योंकि शुभमन गिल युवा खिलाड़ी हैं और उनका बेहतर प्रदर्शन अभी और आने वाला है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल 300 रन एक पारी में बना सकते हैं या नहीं अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद